हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एक दिन एक जंगल में एक बड़ा सा शेर रहता था। लोग उसको राजा मानते थे। वो अपने बच्चों को तरबियत देता था ताकि वो भी बड़े शेर बन सके। शेर का दिल कमजोर था क्योंकि वो खौफजदा था और डर के कारण देर सारे खूबसूरत जंगल का मजा नहीं ले पाता था। एक रोज शेर ने फैसला किया कि उसे हिकमत वाली बिल्ली से सीखना चाहिए। एक कदीम जंगल में वो बड़ी एक कुदरतमंद बिल्ली तलाश करने के लिए निकल पड़ा। शेर ने चंद रोजों तक बिल्ली की तलाश की जब तक कि वो एक छोटी सी बिल्ली को नहीं मिला, जिसे हिकमत वाली बिल्ली कहते थे। शेर ने सोचा, ये छोटी सी बिल्ली कैसे मेरी मदद कर सकती है, लेकिन वो एक उम्मीद के साथ बिल्ली के पास चला गया। बिल्ली ने शेर को देखकर मुस्कुराया और कहा, आपने मेरे पास आने के बारे में क्यों सोचा है शेर साहिब? क्या लेने आए हैं आप? शेर ने अपनी तकलीफों को बयान किया और बिल्ली से दरख्वास्त की कि वो इसे हिकमत दे और इसे खौफ से निजात दिलाए। बिल्ली ने समझाया कि खौफ इंसानों को मुश्किलात में डालता है और दानिश इन्हें हिदायत देता है। वो शेर को सीखने के लिए रोजाना मालूमात फराहम करने की कोशिश करती रही। शेर ने बिल्ली की रहनुमाई से बहुत कुछ सीखा। वो अब खौफ को सामने लाने की बजाय दानिश का इस्तेमाल करता था। शेर ने एक दिन जब कहीं दूर एक फूली हुई जगह पर पहुंचकर देखा तो वो देखा कि वहां एक छोटी सी बिल्ली बहुत खौफजदा हो गई। शेर ने बिल्ली से पिछली तमाम तरबियत को याद किया और छोटी सी बिल्ली को मजीद बढ़ाने के लिए अपने इल्म का इस्तेमाल किया। वक़्त गुजरता गया और छोटी सी बिल्ली शेर के साथ बढ़ती गई। अब वो दानिशमंद शेर बन गया जो अपने खौफ को काबू कर सकता था और दूसरों की मदद कर सकता था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हिकमत और दानिश हमें खौफ से निजात दिलाते हैं। इसलिए हमें दानिश की तलाश में जितना मुमकिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए।